यहाँ हो चुके हैं कपड़े हैंग और मैं आप लोग को इतना ही दिखा सकती हूँ। और जो नीचे प्यारे प्यारे से पौधे, हवा देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी चल रही है। तो यहाँ मेरी सब डिशेस भी वॉश हो गई थी, अब बस आटा गूंदना है, आटा निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लेकर आती हूँ। वाले और ब्लॉग्स जो है ना बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी अपनी सिस्टर से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ना ये ऐसा है ना, ये 5 कप बहुत होंगे एक दिन के लिए, ठीक है? आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या हिसाब किताब होता है आटा गूंदने का। तो 2 और ये जनाब 3 और ये जनाब 4 और 4.5 ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा ज़्यादा डल गया था ना। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी फैरी का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए मेरा फैरू। और कपड़े भी मैंने उसके निकाल दिए हैं और बहुत सारा काम किया आज, तो बहुत प्रोडक्टिव डे था हमारा। क्या क्या कर लिया हमने, ब्रेकफास्ट डन, क्लीनिंग डन, आयरनिंग रह गई। मैंने आप लोगों को दिखाई ना, मुझसे ना आयरन नहीं होता, होता है मतलब ना आयरन करना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ उसमें। आप लोग बताइएगा ऐसा कौन सा घर का काम है जो आप लोगों को करना नहीं पसंद। पहले वैसे मुझे आटा गूंदना भी इतना अच्छा नहीं लगता था पर फिर जो है ना थोड़ी डांट खा खा के जो है ना फिर उसकी प्रैक्टिस हो गई मुझे। तो बस अब आटा तो आराम से गूंद लेती हूँ, पर जो ना एक मिनट स्टैंड को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो पढ़ना वो नहीं, आयरन करते हुए ना मैं बोलती हूँ अल्लाह कोई कर दे मुझे। आप लोग बताइएगा ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग कहते हैं कि हाय कोई कर दे। मैं मतलब आयरन करने के मामले में ऐसे मैं कहूँगी मैं किसी 2 बंदों के खाना बना दूँगी, मतलब 2 घरों के लिए, पर आयरन कोई करते हैं? ये हालत है, इतनी सुस्ती आती है उसमें। तो बस अब यहाँ पे जो है ना आटा गूंद लेते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह। तो ये देख रहे हैं आटा ज़बरदस्त है, इसमें भी बड़ी मेहनत होती है भाई। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग मशीन आटा गूंदने की मशीन ली हुई है उसमें ही डायरेक्ट गूंद लेते हैं, तो वो भी अच्छा है क्योंकि जैसा जिसको सूटेबल लगे, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते ना। तो बस अभी मैं ना फटाफट इसको गूंद लेती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। मैंने जो है ना अभी तक यहीं तक आटा गूंदा था, तो बस मुझे कॉल आई है गुड़िया के बाबा की, तो पहले जल्दी से चलते हैं गुड़िया को लेके आते हैं तो फिर इसको डन करेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी चलो मेरे साथ। बस यहाँ पे चलते हैं गुड़िया को लेने के लिए, और मुझे ये है कि वो कहीं आना गई हो, तो नहीं अभी तक नहीं आई, तो बस लेते हैं चल के प्यारी सी गुड़िया को। तो मैं तो बस सामने यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहीं से आएगी गुड़िया की वैन, और मक्खियाँ तो बाहर गजब की हैं और अब तक आई नहीं है। बस यहाँ पे वेट ही वेट चल रहा है और मेरी गुड़िया नहीं आई अब तक, और ना मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं। एक 2 वैन्स तो गई हैं तो कैमरा ऑफ था, गार्ड भाई कुछ बात कर रहे थे तो मैं उनसे बात कर रही थी। और ना मैं फैमिली इतना अजीब लग रहा है, मैं आज फर्स्ट टाइम रोड पे व्लॉगिंग कर रही हूँ, कभी किया नहीं, तो लोग ना जो भी गुजर रहे हैं इतने अजीब से देख रहे हैं कि पता नहीं ये कैमरा लेके क्या कर रही हैं या क्या दिखा रही है, तो बहुत ऑकवर्ड फील करवाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। हमारे लोग जो है ना बहुत मासूम भी हैं और बहुत डरपोक भी, तो बस वही शार्प हो जाइए आप सब डरने की। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हम डरे क्यों, डरे तो वो जो गलत करे, ठीक है? तो बस अब आ जाए, वैन का ही वेट है,
मुझे लग रहा है ये ना हो कैमरा ऑफ हो तो वैन आ जाए, और कैमरा ऑन है तो वेट कर रहे हैं हम। फाइनली भाई गुड़िया रानी की वैन आ गई है, अब वो चाहिए इसमें से। शायद आ गई है मेरी गुड़िया रानी। इतनी देर से वेट कर रही थी। तो बस फैमिली अभी चल रहे हैं यहाँ पे सब्जी लेने, ठीक है थोड़ी सी सब्जी लेनी थी तो चल चलते हैं सामने। तो लेना आपने कुछ? अब यहाँ पे आए सब्जी लेने, तो देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त सी सब्जी रखी हुई है। मुझे भाई टमाटर दे दें, तोरी ले लें, तोरी भी अच्छी लग रही है। और ये देखें भाई, लाए और गर्ल्स को उनको उनने ऐसी पीटी करवाई, खेला मैं जंपिंग भी करवाई अप डाउन। ये भाई चलो, ये ठंडा नहीं है, ये किसने खोल दिया? ये फ्रिज क्यों खोल देता है? कहाँ है? हाँ यार ये ले लो, एक ये लेना, ये छोटी ले लो, ये छोटी भी है, लो दो ले लो, चलो एक ले लो, ट्राई करेंगे रात को फिर बाबा के लिए ले लेंगे। चलो नहीं 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 चलो शादी में नहीं आई, चलो चलो काउंटर पे, यहाँ से आ जाते ना बेटे। आ रही है वहां से दो फौरन पे जो है महारानी साहिबा को ले आई हूँ। इतना सारा वेट किया मैंने, है ना फैमिली, आप लोगों ने तो देखा था ना। तो बस अब ये खा रही हैं कॉर्न, क्योंकि इनको रोटी नहीं खाने, चावल नहीं खाने, सिर्फ मम्मा को तंग करना है, है? अब इन्होंने शावर लिया है, तो बस अब मैं जो है ना इसको कोम करने लगी थी, तो इसने कहा कि भाई मम्मा मेरा ब्रश तो दिखाएं आप अपनी प्यारी सी फैमिली को। तो भाई ये इनको गिफ्ट मिला था इनकी प्यारी सी खाला जान की तरफ से, तो अभी टैग भी नहीं उतारा, तो अभी अभी हम बस इसको उतारेंगे। और आज इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो आपके साथ भी शेयर कर लिया। तो यूनिकॉर्न बना है बहुत प्यारा सा, और इसके ब्रशेस भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखें, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये देखें ये देखें, मतलब एक टच पे कैसे अंदर जा रहे हैं। तो भाई क्या बोलना है आपने अपनी खाला को? बहुत सारे थैंक यू करने। ओके वेलकम। तो चलो आओ जल्दी से, मैं आपके हेयर कॉम करूँ, आ जाओ। तो फिर आपका कैसा रहा स्कूल का डे आज? बहुत अच्छा। अच्छा था? और पीटी? वो भी अच्छी। तो फिर आपका आज पीटी का पीरियड कैसा रहा? कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा था। और बच्चे भी फिर देखे। क्या किया था आपने वहाँ पे? इधर पीटी जो मैंने की थी वो मैं आपको करके दिखाऊं? कैमरा में करोगी? पक्की बात है जी। चलो आपको अच्छा लगा वहाँ पे? जी। माशाल्लाह। चलो फिर जल्दी से करके दिखाओ। पहले इधर आ जाओ, थोड़ा सा उधर आ जाओ कॉर्नर पे। फिर और कौन सी की थी? और इसके बाद जंपिंग। तो मतलब मजा आया। चलो फिर आओ अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और यो जैसे यो गोल राउंड बनाया, हमारी पीटी की टीचर भी थी, उन्होंने ना एक टेप वाली बॉल
बबल बॉल थी, वो एक बच्चे को पकड़ाई टेप वाली, और मिस ने कहा, मिस के पास ना सीटी भी थी, तो मिस ने कहा ये आप लोग ना एक दूसरे को देते रहना, फिर अगर जैसी मिस सीटी बजाएंगी ना तो वो आउट। चलो फिर चलो चले। सॉरी फैमिली, यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को सालन ही अपना नहीं दिखाया जो मैंने कुक किया था, मैंने आप लोगों को मसाले का पेस्ट दिखाया था ना, तो फिर इनके बाबा ने कहा कि भाई पतले शोरबे वाला सालन बना दो, तो फिर मैंने ये देखें ये बना लिया था, तो बहुत बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये देखें आपको देख के पता चल रहा होगा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे गांव में बनता है ना पंजाबों में, मतलब वो पंजाब में आप जाओ तो लकड़ियों के ऊपर जो सालन बनाए जाते हैं तो उसकी कितनी प्यारी खुशबू होती है, बिल्कुल वैसी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से माशाल्लाह। तो ये मैं दिखाना भूल गई थी, बिजी हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी देख लें बस, अगर कहेंगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी, वरना आप सबको तो मुझसे बहुत अच्छा बनाना आता होगा। तो बस फैमिली, यहाँ पे जो है ना कुछ काम से बाहर गए थे तो लेट हो गए, इसलिए फिर रोटी लेकर आए मैंने बनाई नहीं, और यहाँ पे मैं बस बेटी को जल्दी से खिला रही थी क्योंकि सुबह गुड़िया का स्कूल था, तो पहले थोड़ी सी देर में ख्याल 9:30 तकरीबन हो गए थे, तो बस मैंने कहा कि आप आ जाओ तो मैं आपको अपने साथ खिला दूँ जल्दी से, तो बस उसको यहाँ पे खाना खिला रही थी और आप लोगों को टेक्सचर दिखा रही थी कि कितना अच्छा इसका बिल्कुल पतला शोरबा बना था। असल में हस्बैंड की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने फरमाइश करके बनवाया था कि भाई पतला शोरबे वाला बिल्कुल बना के दो, तो मेरा उस पर दिल है, तो बस उनके लिए स्पेशल बनाया था, तो उनको बहुत पसंद आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, और यहाँ फैमिली के लिए भी टेस्टिंग आ गई, तो भाई ये सब प्यारी सी फैमिली के लिए, तो इस बात पर जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल को कीजिएगा बहुत बहुत सारा सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो सब नए सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबका दिल से वेलकम और दिल से ढेरों ढेर शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।